हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज का हमारा टॉपिक है डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से यह कमर तोड़ देने वाला काम है दिस इज ए बैक पेनिंग वर्क यह कमर तोड़ देने वाला काम है दिस इज ए बैक पेनिंग वर्क आज तुम इतनी लेट क्यों हो वाई आर यू सो लेट टुडे आज तुम इतने लेट क्यों हो वाई आर यू सो लेट टुडे यह पंखा काम क्यों नहीं कर रहा वाई इज दिस फैन नोट वर्किंग यह पंखा काम क्यों नहीं कर रहा वाई इज दिस फैन नोट वर्किंग तुम मेरे आगे नहीं टिक सकते यू कैनोट स्टैंड अगेंस्ट मी तुम मेरे आगे नहीं टिक सकते यू कैनोट स्टैंड अगेंस्ट मी वह फिसल कर गिर गया ही स्लिप्ड एंड फेल डाउन वह फिसल कर गिर गया ही स्लिप्ड एंड फेल डाउन काश तुम मेरे होते आई विश यू वर माइन काश तुम मेरे होते आई विश यू वर माइन यह कपड़े छोटे हो गए हैं दिज क्लोथ्स आर वॉन आउट यह कपड़े छोटे हो गए हैं दीज क्लोथ्स आर वर्न आउट मैं बिना तैयारी इंटरव्यू के लिए गया आई वेंट फॉर द इंटरव्यू ऑफ हैंड मैं बिना तैयारी इंटरव्यू के लिए गया आई वेंट फॉर द इंटरव्यू ऑफ हैंड अपने चप्पल उल्टी रह पहन रखी है यू हैव पुट ऑन योर स्लीपर्स रोंग साइड आपने चप्पल उल्टी पहन रखी है यू हैव पुट ऑन योर स्लीपर्स रोंग साइड्स काश मैं आपसे मिल पाता आई विश आई कुड मीट यू काश मैं आपसे मिल पाता आई विश आई कुड मीट यू मुझे थोड़ा थोड़ा करके खिलाओ फीड मी बिट बाय बिट मुझे थोड़ा थोड़ा करके खिलाओ फीड मी बिट माई बिट मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न तुम यह किससे करवाओगे हुम विल यू गेट दिस डन फ्रॉम तुम यह किससे करवाओगे हुम विल यू गेट दिस डन फ्रॉम क्या तुम बाल कटवाओगे विल यू गेट दी हेयर कट क्या तुम बाल कटवाओगे विल यू गेट दी हेयर कट हमने उसे बाहर भिजवाए वी मेड हिम आउट आउट हमने उसे बाहर भिजवाए वी मेड हिम गो आउट मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ वट एम आई मेकिंग यू अंडरस्टैंड मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ वट एम आई मेकिंग यू अंडरस्टैंड तुमने मुझसे झूठ बुलवाया यू मेड मी टेल ए लाइ तुमने मुझसे झूठ बुलवाया यू मेड मी टेल ए लाइ मुझे यह करवाना है आई हैव टू गेट इट डन मुझे यह करवाना है आई हैव टू गेट इट डन तुमने मुझे पिटवाया यू गॉट मी बीटन तुमने मुझे पिटवाया यू गॉट मी बीटन उसने हमें कोक पिलाई ही मेड अस ड्रिंक कोक उसने हमें कोक पिलाई ही मेड अस ड्रिंक कोक तुमने मेरी बहुत मदद की यू हैव हेल्प्ड मी अ लॉट तुमने मेरी बहुत मदद की यू हैव हेल्प्ड मी अ लॉट मुझे यह पहले पहेली सुलझानी है आई हैव टू सॉल्व दिस पजल मुझे यह पहेली सुलझानी है आई हैव टू सॉल्व दिस पजल मैं यह रोज़ रोज़ खाकर थक गया हूँ आई एम फेडअप ऑफ ईटिंग इट डेली मैं यह रोज़ रोज़ खाकर थक गया हूँ आई एम फेडअप ऑफ ईटिंग इट डेली मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा आई विल ऑलवेज बी देयर विद यू मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा आई विल ऑलवेज़ बी देयर विद यू तुम कितने साल के हो वट इज़ योअर एज तुम कितने साल के हो वट इज़ यूर एज क्या तुमने हाल ही में उसे देखा है हैव यू सीन हिम रिसेंटली क्या तुमने हाल ही में उसे देखा है हैव यू सीन हिम रिसेंटली मैं अपना समय काट रहा हूँ आई एम पासिंग माई टाइम मैं अपना समय काट रहा हूँ आई एम पासिंग माई टाइम फ़िलहाल तुम यहाँ इंतज़ार करो फॉर द टाइम बींग यू वेट हेयर फ़िलहाल तुम यहाँ इंतज़ार करो फॉर द टाइम बींग यू वेट हेयर मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का आई एम नॉट फोंड ऑफ टॉकिंग टू यू मुझे कोई शौक़ नहीं है तुमसे बात करने का आई एम नॉट फोन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें बार बार कॉल करने का आई एम नॉट फोन्ड ऑफ कॉलिंग यू अप अगेन एंड अगेन मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें बार बार कॉल करने का आई एम नॉट फोन ऑफ कॉलिंग अप यू अगेन एंड अगेन यह पंखा काम क्यों नहीं कर रहा वाई इज़ दिस फैन नॉट वर्किंग यह पंखा काम क्यों नहीं कर रहा वाई इज दिस फैन नॉट वर्किंग यह कब शुरू होता है वेन डज इट स्टार्ट यह कब शुरू होता है वैन डज इट स्टार्ट तुमने यह साड़ी कब खरीदी वेन डिड यू बाय दिस साड़ी तुमने यह साड़ी कब खरीदी वेन डिड यू बाय दिस साड़ी तुम्हारा बर्थडे कब है वैन इज योर बर्थडे तुम्हारा बर्थडे कब है वैन इज़ योर बर्थडे अब बात को ज़्यादा बढ़ाओ मत डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर अब बात को ज़्यादा बढ़ाओ मत डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर द वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं इट्स नो यूज़ गोइंग देयर वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं इट्स नो यूज़ गोइंग देयर मुझे नींद आ रही है आई एम फीलिंग स्लीपी मुझे नींद आ रही है आई एम फीलिंग स्लीपी आई एम फीलिंग स्लीपी उसे गाली मत दो डोंट अब्यूज़ हिम उसे गाली मत दो डोंट अब्यूज़ हिम मुझे नहाने दो लेट मी टेक ए शार मुझे नहाने दो लेट मी टेक ए शार उसके जिम्मेदार तुम हो यू आर रिस्पॉन्सिबल फ़ॉर दैट उसके ज़िम्मेदार तुम हो यू आर रिस्पॉन्सिबल फ़ॉर दैट उन्हें पूछने का कोई फ़ायदा नहीं इट्स नो यूज़ आस्किंग हिम उन्हें पूछने का कोई फ़ायदा नहीं इट्स नो यूज़ आस्किंग हिम आप इससे बच नहीं सकते यू कैनोट एस्केप फ्रॉम दिस आप इससे बच नहीं सकते यू कैनोट एस्केप फ्राम दिस पानी बह रहा है नल बंद करो द वॉटर इज़ रनिंग ओवर टर्न ऑफ द टैप पानी बह रहा है नल बंद करो द वॉटर इज रनिंग ओवर टर्न ऑफ द टैप केक तैयार होने में पंद्रह मिनट लगेंगे द केक विल टेक फिफ्टीन मिनट्स टू प्रिपेयर केक तैयार होने में पंद्रह मिनट लगेंगे द केक विल टेक फिफ्टीन मिनट्स टू प्रिपेयर चाय गरम कर दो हीट अप द टी चाय गरम कर दो हीट अप दी टी क्या मैं आपको सही समझा डिड आई गेट यू राइट क्या मैंने आपको सही समझा डिड आई गेट यू राइट चलो कुछ नया सीखते हैं लेट्स लर्न समथिंग न्यू चलो कुछ नया सीखते हैं लेट्स लर्न समथिंग न्यू बहाने मत बनाओ डोंट मेक एक्सक्यूजिज बहाने मत बनाओ डोंट मेक एक्सक्यूजिज इससे क्या फ़र्क पड़ता है वट डिफरेंस डज इट टेक इससे क्या फ़र्क पड़ता है वट डिफरेंस डज इट टेक वह देर से उठता है ही इज़ ए लेट राइजर वह देर से उठता है ही इज ए लेट राइजर मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ आई एम वाटरिंग प्लांट्स मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ आई एम वाटरिंग प्लांट्स तुम तो मेरे आगे नहीं टिक सकते यू कैनोट स्टैंड अगेंस्ट मी तुम मेरे आगे नहीं टिक सकते यू कैनोट स्टैंड अगेंस्ट मी आई होप ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को थैंक यू